देहरादून से। देहरादून में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास हो चुका है और यहां पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। उन्होंने शिलान्यास किया है इस सेंटर का। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के सैन्य धाम के संकल्प की यहां पर बड़ी पहल दिखी है। ये पहल क्यों दिखी है, इस दिशा में क्यों ये बड़ी पहल मानी जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। 42 करोड़ की लागत से ये कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर बनने जा रहा है और युवाओं को समुद्र में चुनौतीपूर्ण करियर का मिलेगा यहाँ पर अवसर, मौका अच्छा मिलेगा युवाओं को। और जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कार्यक्रम है उनमें भी मौजूद रहे राव शफात अली। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद हैं। राव शफात, जानना चाहेंगे कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे उत्तराखंड के युवाओं को। जी कमल, देखिए उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है और उत्तराखंड के लिए कामयाबी की बात है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को दी है। देखिए, छठा सेंटर है कोस्ट गार्ड का, इससे पहले 5 सेंटर देश में है लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये छठा सेंटर है कोस्ट गार्ड का। और 17 करोड़ रुपए की इसमें जमीन का खर्च आएगा और 25 करोड़ निर्माण का खर्च आएगा, जो पूरी तरह से 42 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यानी कि हर 6 महीने बाद 40,000 युवा यहाँ पर आएंगे लेकिन 1500 से 200 युवाओं को इसमें नौकरी मिलेगी कोस्ट गार्ड में, जो तटरक्षक की सीमा में लगे रहते हैं। और राजेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी खुशी जताई है मुख्यमंत्री की, बड़ी कामयाबी है इसमें। और अहम ये कि उत्तराखंड, देखिए जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे उत्तराखंड के अंदर, तो उन्होंने 5वां धाम कहा था कि सैन्य 5वां धाम विकसित होगा, तो अपने वादे पर खरा उतरे और वाकई में एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को देकर के गए। अब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, करीब 1.5 साल का इसमें वक्त लगेगा लेकिन आज पूरे विधि विधान के साथ कमल इसका विधान के साथ शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री मौजूद थे और जो राजेंद्र सिंह है महानिदेशक कोस्ट गार्ड के, भारतीय तट रक्षक के, वो मौजूद थे और तमाम जितने बड़े नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। ये भी जानना चाहेंगे शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने क्या क्या कहा है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुश है केंद्र सरकार के इस सौगात से और काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे इस बात का कि कोस्ट गार्ड का एक सेंटर यहाँ पर हो। ये प्रयास है उत्तराखंड सरकार का कि उनके प्रयास के चलते छठा कोस्ट गार्ड सेंटर यहाँ पर अब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री खुश है इस बात को लेकर के कि अब युवा जो है वो यहाँ से रोजगार पा सकेंगे कोस्ट गार्ड के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आसपास के राज्य हैं कमल, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के युवा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जब ये तैयार हो जाएगा। तो हर 6 महीने बाद 1 से 2 हजार युवाओं को कोस्ट गार्ड में। क्या प्राथमिकता उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगी इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सेंटर यहाँ पर है, सेंटर में किसी भी राज्य से आ सकते हैं लेकिन हाँ, यहाँ सेंटर होने का मतलब है कि यहाँ के युवाओं को सबसे ज्यादा मौका मिलेगा क्योंकि उत्तराखंड के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, यहाँ हर घर से सैनिक है, तो सबसे बड़ा फायदा उत्तराखंड को पहुंचने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी है राव शफात अली। और बताया है कि ये जो कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, इसका फायदा उत्तराखंड को किस तरह से होने वाला है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत काफी गदगद दिखाई दी क्योंकि ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया एक वायदा था।